हे गाइस, तो फाइनली आ गया है हमारा नया मॉनिटर और ये है LG का MP488HB। अब दोस्तों ये आपको नॉर्मली 13,500-14,000 की प्राइस पे मिल जाएगा, लेकिन सेल की कृपा से हमें ये मिल गया है मात्र 11,500 में। एंड दोस्तों सबसे खास बात इस मॉनिटर की, ये बहुत ही ज़्यादा स्लिम है और यहाँ पर आपको मिलते हैं इन बिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स, इसलिए मैंने इसे चुना है। तो अब आपको क्या चाहिए, बस ढिंचक पूजा के गाने लगाओ और सुनो आराम से। खैर जोक्स अपार्ट, चलिए खोलते हैं इस बॉक्स को और दिखाते हैं कि आपको मॉनिटर कैसा है और आपको इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बंदा झुक के क्यों बात कर रहा है, तो भाई जगह थोड़ी सी कम है और मॉनिटर थोड़ा बड़ा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LG वालों ने पैकेजिंग तो काफी अच्छी की है। चलिए बॉक्स को कट करते हैं। ये जो फीलिंग होती है ना नए बॉक्स को काटने की, वो काफी मजेदार होती है। काफी अच्छे से पैक किया है इन्होंने मॉनिटर को। चलिए इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो ये रहा हमारा मॉनिटर। एंड गाइज, ये काफी ज्यादा स्लिम है। चलिए हम मैं इसे आपको बाहर निकाल कर दिखा देता हूँ। ओ माई गॉड, इट्स लुकिंग गॉर्जियस, यू कैन सी हियर। ये काफ़ी ज़्यादा स्लिम है और वाइट कलर वेरिएंट में तो ये कमाल का दिख रहा है। यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिलते हैं जो कि मैं आपको इसके सेटअप के बाद में दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं इसे कर लेता हूँ साइड में। देखते हैं बॉक्स में आपको और क्या मिलता है। तो गाइस, बॉक्स में आपको मिलता है एक स्टैंड जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ पावर कॉर्ड्स मिलते हैं और साथ में यहाँ पर आपको एक HDMI केबल मिलती है जो कि एक अच्छा टच है। और ये फालतू की कुछ CDs मिल जाती है जिनका कोई काम नहीं है। तो चलिए हम इन सब चीज़ों को कर देते हैं साइड में और मॉनिटर को पूरी तरह से सेटअप करके मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मॉनिटर के फिजिकल ओवरव्यू की, तो क्वालिटी यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ जो स्टैंड है वो पूरी तरह से प्लास्टिक है, लेकिन ऐसा फिनिश दिया गया है जिससे ये स्टील की तरह लगे, लेकिन है ये पूरी तरह से प्लास्टिक। फ्रंट में भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है और साथ में बीजल्स काफ़ी कम है। अगर मैं बात करूं बैक साइड की, दोस्तों यहां पर आपको बहुत ही सिंपल डिजाइन मिलता है। साथ में यहां पर आपको सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहां पर आपको सबसे पहले DC इन का पोर्ट मिलता है। इसके बाद यहां पर आपको हेडफोन का पोर्ट मिल जाता है, साथ में ऑडियो इन एंड डी सब इन का पोर्ट मिल जाता है। एंड दोस्तों यहां पर आपको दो HDMI पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर अप्रॉक्स सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दोस्तों सबसे अच्छी बात, यहां पर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है और ये जो व्हाइट कलर है ये देखने में काफी कमाल का लगता है। तो चलिए करते हैं मॉनिटर को ऑन और आपको दिखाते हैं कि इसका डिस्प्ले और आपको इसमें फीचर्स कैसे मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली हमने अपने मॉनिटर को सेटअप कर लिया है एंड इन फर्स्ट लुक इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही कमाल का गॉर्जियस लग रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि बीजल्स बिल्कुल नाक के बराबर आपको दिख रहे हैं और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही शानदार है। यहां पर मैं LG को एक बड़ा सा थम्स अप देना चाहता हूं। इसके साथ ही दोस्तों अगर मैं इस डिस्प्ले के अदर फीचर्स की बात करूं, तो यहां पर आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इसलिए आपको एडिटिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पर IPS पैनल होने की वजह से आपको जो कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस है वो बहुत ही कमाल की मिलती है। यहाँ पर ब्राइटनेस मैंने कम करके रखा है, फिर भी आपको यहाँ पर बहुत ही कमाल की क्वालिटी देखने को मिल रही है। दोस्तों मैंने इसे फिलहाल अपने लैपटॉप के साथ HDMI केबल से कनेक्ट किया है और फिर भी जो क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल की लग रही है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ अदर कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में बटन मिलते हैं जिससे आप इसके सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे मेन्यू पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जॉयस्टिक टाइप का बटन मिलता है और सिंगल बटन कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए आप अपने मॉनिटर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाता है। एंड दोस्तों सबसे अच्छी बात, इस मॉनिटर में आपको इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। तो चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं कि आपको कैसा साउंड क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी जो साउंड क्वालिटी आप सुनोगे वो होगी इस मॉनिटर की। तो चलिए मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ। तो
गाइज यहाँ पर आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस मॉनिटर की जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। अभी जो आपने म्यूजिक सुना उसमें मैंने वॉल्यूम को 60% पे रखा था, इसलिए इसका जो स्पीकर है और भी लाउड जा सकता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो स्पीकर्स की क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये यहाँ पर एक एडेड बोनस है इस मॉनिटर का। दोस्तों यहाँ पर इस मॉनिटर को आप एडजस्ट भी कर सकते हो स्टैंड से, तो ये भी यहाँ पर एक अच्छी बात है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और साथ में सारी चीज़ें इस मॉनिटर में आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो गाइज फाइनली यहीं पर खत्म हो जाती है हमारी अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। अगर आपको इस मॉनिटर के बारे में और भी बातें जाननी है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है खास करके इस मॉनिटर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस को लेकर एक वीडियो बनाऊं, ताकि अगर आप भी इस मॉनिटर को खरीदने की प्लानिंग करें तो आप पूरी तरह से क्लियर हो कि आपको इस मॉनिटर को खरीदना चाहिए या तो नहीं। और दोस्तों अगर आप इस मॉनिटर को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो इसके जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपने फर्स्ट ओपिनियन की बात करूं इस मॉनिटर के बारे में, तो मुझे फिलहाल ये मॉनिटर काफी अच्छा लग रहा है, और वो इसलिए क्योंकि इस मॉनिटर में आपको बहुत ही गॉर्जियस डिस्प्ले मिलता है, साथ में इसकी प्राइसिंग काफी अच्छी है, और अगर आप सेल के टाइम इसे लेते हो तब तो यहां पर आपको बहुत ही अच्छा यहां पर प्राइस मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छा साउंड करते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये जो LG का मॉनिटर, ये कमाल का पैकेज है और आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो अगर आपको बजट में एक काफी अच्छा मॉनिटर चाहिए। मैंने भी काफी रिसर्च करके इसे बाय किया है और मैं अपने इस परचेज से काफी खुश हूँ। आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मॉनिटर कैसा लगा और आपकी इसके बारे में क्या राय है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक बड़ा सा थम्स अप दे दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, बगल में घंटी मिल जाएगी, तो घंटी जरूर दबाइएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और साथ में अगर आपको LG के इस मॉनिटर का फुल रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्माइलिंग।